नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो ये लाइन जरूर आपने सुनी होगी अगर आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी कि अगर हमसे बकैती करोगे तो इलाका धुआं धुआं कर देंगे। जी हाँ, इस वक्त की मौजूदा स्थिति प्रयागराज में कुछ ऐसी ही बनी है क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत के बाद प्रयागराज में धारा 144 है। ये दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रयागराज के कटरा में बमबाजी की गई है जिसकी तस्वीरें प्राइम टीवी ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। तो कटरा में देसी बम फेंका गया है जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे। इधर आइए, इधर आइए भैया, भैया इधर आइए, छोटू को पकड़िए भैया। रवि किसी को बुलाओ, विकास भैया को बुलाओ, विकास भैया को बुलाओ, किसी को बुलाओ, जो कैसे बाहर से फोन चला रहा है। इस वक्त पैनिक का कहीं ना कहीं माहौल देखा जा रहा है क्योंकि लगातार जो प्रयागराज है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा था। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कटरा में बमबाजी की गई है। जी हां, देसी बम फेंके गए हैं और ये हमला जो शूटर्स के वकील है उनके घर पर किया गया है। तो उस बमबारी के दौरान उनकी जो बयान है वो भी सामने आए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हम इतने इंस्पेक्टर बम के फोरेंसिक वाले आए थे, कौन आए थे उठा के। मैं अतीक को अशरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब कहाँ आप कटेगा, कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। नहीं, आप कर रहे थे? हाँ, मैं कर रहा था। तो आपको कुछ इस पे शक है ये? किसने इस पर? मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूं इसके लिए आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये ड्रामा किया। ड्रामा कह रहा हूँ, ये तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, वकील दयाशंकर मिश्र के घर पर यह हमला किया गया है और बमबारी की गई है और लोगों में पैनिक का भी माहौल है, कैसी स्थिति बताई जा रही है इस वक्त कटरा की? जी बिल्कुल मुस्कान, ये अभी कुछ ही देर पहले की घटना है। प्रयागराज के कटरा के गोबर गली की यह घटना है जहां पर देसी बम फेंका गया है और ये जो बम फेंकने का अभी तक बात सामने आई है, कहा जा रहा है कि ये दहशत फैलाने के लिए ये बमबाजी की गई है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये जो अतीक और अशरफ के वकील हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको डराने और धमकाने के लिए यह बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जल्द ही इसका स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ये जो अराजक तत्व हैं, ये जो हमलावर हैं, इनका मकसद क्या है बम फेंकने की, आखिर इनकी रणनीति क्या है, किसके तहत इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं और एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब दो दिन पूर्व ही प्रयागराज में इस तरह की बड़ी घटना होती है, अतीक और अशरफ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, पुलिस की तमाम टीमें बिल्कुल, और ये जो तस्वीर है यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आखिर किस तरीके से प्रयागराज में अराजक तत्वों का बोलबाला है, किस तरीके से, क्योंकि बीते दिनों पूर्व भी हम सभी ने वो तस्वीरें देखी कि आखिर किस तरीके से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी और आज ये तस्वीर है। निश्चित रूप से ये पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर भरे बाजार में इस तरीके से बम चलाने वाले आखिर ये लोग हैं कौन, इनका मकसद क्या है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी
पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं, जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पवन अतीक अशरफ पर हुए हमले के बाद अब तो ये जो बमबारी की तस्वीरें हैं ये ऐसे जगह से सामने आई है जहां पर अगल बगल में लोगों के घर है और लोग भी वहां मौजूद है। तो आखिर जो प्रयागराज में पुलिस है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या अब ये कहा जाए कि प्रयागराज की जो आम जनता है वो भी सुरक्षित नहीं है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर हम बीते 24 फरवरी से इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर स्थिति दिखेगी, क्योंकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े भरे बाजार गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि आखिर भरे बाजार में किस तरीके से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहां पर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे थे, क्योंकि वो जो तस्वीरें हम सभी ने देखी निश्चित रूप से वो तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली थी। किस तरीके से लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट दिखे थी, किस तरीके से लगातार बमबाजी की घटना दिखी थी, और जब बीते दो दिन पूर्व अतीक और अशरफ को भी गोली मारी गई वो भी तस्वीरें पूरे देश ने देखी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो चूक है वो सामने दिख रही है। ऐसे में आज जब ये कटरा में आज ये बमबाजी की घटना है तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें दिखा रही है कि आखिर पुलिस किस तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है पवन, कटरा से जो बमबारी की तस्वीरें सामने आई है तो क्या वहां पर जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है और किस तरीके से आरोपियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप तस्वीरों में हम सब ने देखा कि किस तरीके से बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद तमाम पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस की टीमें, फॉरेंसिक टीमें वहां पर पहुंची हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, किस तरीके से क्या बात है, घटना का आखिर मकसद क्या है, आखिर क्या वजह है जो इस तरीके से दिन दहाड़े बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी अभी इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जल्द इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने के पीछे का मकसद क्या है। और बिल्कुल ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि प्रयागराज के लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीती घटनाओं तो आपराधिक घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं प्रयागराज में बमबारी की गई, दिन दहाड़े प्रयागराज के कटरा में बमबाजी की तस्वीरें हमने देखी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ही अपना एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते और अब यूपी में कानून का राज है, अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमियों को डरा धमका नहीं सकता है, उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। वही सीएम योगी ने कहा कि जो माफिया पहले लोगों के लिए संकट बने थे वो अब खुद के लिए संकट में है। हमारी सरकार में यूपी में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा है, अब किसी जनपद के नाम से डर नहीं है, यूपी अब विकास के लिए जाना जाता है, पहले यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब थी यानी कि ध्वस्त हो चुकी थी। की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह पहला बयान दिया है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि अब यूपी में कानून का राज कायम है, जो माफिया पहले लोगों के लिए संकट थे अब वही माफिया आज संकट में है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माफिया तो मिट्टी में मिल चुका है और इसके साथ ही कुछ राज भी दफन हो गए हैं, लेकिन इन राज से पर्दा उठाने के लिए अभी प्रयागराज की पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। माफिया की पत्नी जो कि काफी दिनों से फरार चल रही है, ना जाने कहां उसका ठिकाना है, इसी ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस मिली सूचना के आधार पर शाइस्ता परवीन को लगातार खोज रही है। वही पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन के छुपे होने की सूचना पर मरियाडी और भरेठा गांव में दबिश दी है। कई थानों की फोर्स के साथ गांव में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। खबर गाजीपुर से है जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने अतीक अशरफ हत्याकांड पर बयान देते हुए कहा कि कहां है शांति, क्या यूपी में निवेश करने का माहौल है? उन्होंने कहा कि क्या यही देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था है? अफजाल ने दावा किया कि देश की जनता 2024 में इस व्यवस्था को चलाने वालों का बाजा बजा देगी। अफजाल ने आगे कहा कि साजिश हो रही है, होती रहेगी, लेकिन मारने वालों से बढ़कर बचाने वाला है।
वहीं सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो मालूम चलेगा कि सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। आगे उन्होंने कहा कि हमें कोई बता रहा था कि घटना में 5 शूटर थे, पकड़े गए 3 शूटरों के अलावा भी कुछ शूटर थे। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे, क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ, देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो 3 ही मारे हैं। पूर्व मंत्री शारदा प्रताप ने मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। बता दें कि वो काफी समय से बीमार थे। शारदा प्रताप के निधन की सूचना से उनके समर्थकों और सरोजनी नगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं शारदा प्रताप शुक्ला सरोजनी नगर क्षेत्र के लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। वहीं उनके निधन पर लखनऊ के भाजपा नेताओं समेत सरोजनी नगर के वर्तमान विधायक राजेश्वर सिंह ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। जी हां, फरीदाबाद के संजय कॉलोनी स्थित मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने दुनिया के सबसे छोटे कोर्ट बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्कूल का नाम दर्ज कराया है। इस कोर्ट से बिना किसी स्विच के घर में लगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद अब स्कूल के इन छात्रों की हर जगह तारीफ हो रही है। बताते चले कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मॉडर्न बीपी के विद्यार्थियों ने सबसे छोटा कोड बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नाम कमाया है। ऐसे में अब इन बच्चों को लगातार शुभकामनाएं भी मिल रही हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी। इसी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र परमार ने कहा कि वो बच्चों को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और स्कूल हर बार बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उनका हौसला भी बढ़ाने का काम करता है। अटल टिंकरिंग लैब का इनोवेशन किया था, वो इंडिया के कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में ही ATL लैब को इंस्टॉल किया गया है, और वहीं पर जो हमारे ATL लैब के इंचार्ज हैं नवीन, उनको और उनकी टीम को एक टास्क हम लोगों ने दिया कि ठीक है, मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आपका आ चुका है, स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ चुका है, तो क्यों ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को भी हम लोग एंटर करें। ऐसे बैठे बैठे बात करते करते तो नवीन सर से बात हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको कर लेंगे। तो एक टास्क दिया गया और ये इन्होंने अचीव भी किया। दुनिया का सबसे स्मॉल 4 डिजिट का जो कोड है वो उन्होंने इन्वेंट किया है, और इसके बाद में इसका रोल सिर्फ ये होगा कि अगर कभी भी आपको रूम के अंदर एंटर करते हैं तो लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 डिजिट का कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, जिसकी वजह से हमारा स्कूल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और हमने इसमें मतलब जैसे कोई भी अप्लाइंसेस तो जो यूज़ करते हैं स्विच ऑन ऑफ करके यूज़ करते हैं, अब हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस उसमें कोड डालेंगे, जो हमने कोड जितना कोड बनाया है वो कोई भी कोड हो सकता है। जैसे कि हम कोई अप्लाइंसेस को चलाना चाहते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम घर पे फ़ैन ऑन रखा भूल गए, तो हम अपने कार में बैठ के ही कोड यूज़ करके उसको बंद कर सकते हैं। दूसरी CBSE की जो होती है या कोई भी दूसरी करिकुलर जो होती है हमारे पास नेशनल लेवल पे, तो उसमें हमारी स्कूल की हमेशा ही एक अच्छी पोजीशन रहती है। और दूसरा इसको इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है हमारे जो OP परमार सर हैं, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं मिनिस्टर जितेंद्र परमार, उनका बहुत अहम योगदान रहा है। और कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने देते हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट कितना ही हेवी कॉस्ट का क्यों ना हो, अगर इफेक्टिव है, उनको लगता है कि इसको बनाने से अगर
हमारे मतलब इंडियंस का या किसी का आसपास का भी अच्छा होता है, भला होता है, तो उसको बनाने में वो पीछे नहीं था। बुलंदशहर में स्याना में तहसील कार्यालय परिसर स्थित नगर निकाय नामांकन केंद्रों का डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने निरीक्षण किया है। बता दें कि वहां मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, वह पुलिस अधिकारी रक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए, जबकि नामांकन करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने नामांकन केंद्रों का बारीकी से भी निरीक्षण किया है। बुलंदशहर में स्कूटी सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों के शवों को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। वहीं हादसे के बाद दोनों युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो क्या हुआ, क्या घटना हुई? ये मेरे मामा जी का लड़का है योगेश जी। ये अरनिया थाना है। ये और एक इसका मित्र था नरेंद्र जी, जिसके परिजन ये खड़े हैं जी। ये दोनों यहाँ LLT कंपनी में जॉब करते थे। अच्छा। शाम को लौटते समय 6:30 बजे करीब इनको एक्सीडेंट हो गया कोई अज्ञात वाहन से। दोनों के मौके पर ही इनकी डेथ हो गई दोनों। क्या का नाम है? एक का नाम योगेश है, एक का नाम नरेंद्र है। और योगेश के बच्चे हैं दो, एक 1.5 साल का, एक 2.5 साल का। नरेंद्र की 3 साल की बेटी है। खबर औरैया से है, जहां नगर निकाय को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत बाबरपुर, अजीत मल नगर पंचायत अड़सू और नगर पंचायत अछलता के प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि 3 सीट नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की घोषणा होना फिलहाल बाकी है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। वही वार्ता के दौरान मुख्य रूप से ओम प्रकाश, जितेंद्र दोहरे, नगर अध्यक्ष अशोक गुप्ता, अमित यादव, बड़े सिंह गौर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिशा निर्देश मिलने पर जारी की जाएगी। पहली नगर पालिका परिषद औरैया जो कि अनारक्षित है, वहाँ पर श्री अनूप कुमार गुप्ता जी को, जिनके पिताजी का नाम श्री मोतीलाल गुप्ता है, उनको पार्टी ने आज के प्रत्याशी घोषित किया है। नगर पंचायत बाबरपुर अजीत मल जो कि अनुसूचित जाति महिला की आरक्षित सीट है, यहाँ पर श्रीमती नीतू चौधरी पत्नी श्री ओके चौधरी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। नगर पंचायत अड़सू जो कि पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित श्रेणी से है, नगर निकाय को लेकर कई उम्मीदवार उतारे हैं। आइए हमारे साथ में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सर्वेश बाबू खड़े हुए, उनसे जानते हैं कि अब यह निकल के उम्मीदवार उतारे, जिसमें 6 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है, जानते हैं उनसे। सभी की घोषणा की गई है, 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, 7 नगर पालिका और नगर पंचायत हैं मिलाकर, तो उसमें से 4 की घोषणा कर दी गई है। शेष की घोषणा राष्ट्रीय नेतृत्व का जैसा ही दिशा निर्देश होगा उनकी घोषणा कर दी जाएगी। ये बताइए कि आवेदन कितने लोगों ने? 24 लोगों के आवेदन आए थे। ऐसी क्या वजह रही उन 24 में से इन्हीं लोगों को चुना? ये तो चुनने का अपना जो पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करने के बाद लोगों की फीडबैक लेकर के और उस पर उपयुक्त कैंडिडेट का चयन किया गया है। क्या मानते हैं इन लोगों के समाजवादी पार्टी द्वारा इनको कर दिए, कितनी सीटें या औरैया में क्या विकास कर रहा है? लोगों का लक्ष्य यही है कि औरैया की सभी नगर पंचायत और नगर पालिका को जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और विकास कार्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया जाएगा। जब हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनकर के आएंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा विकास दिखाएंगे औरैया में। जैसा कि जिलाध्यक्ष अभी गौतम ने बताया, जो विकास का अधूरी हमारे को प्रत्याशी जीत कराएंगे तो उनको अच्छा कार्य करेंगे। प्राइम टीवी से जयदीप की रिपोर्ट और यह।
शाहजहांपुर में एक व्यापारी के बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घर में बने गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया और आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई है, जिसकी सूचना पर पहुंची दमकल ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि जिस समय मकान में आग लगी, मकान में किसी शख्स को कोई हानि नहीं हुई है। जाड़े का जो बचा हुआ माल था वो घर पे एक कमरा था उसमें रखा हुआ था, उसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पता नहीं किस टाइम आग लगी। सुबह जो है लोगों ने बताया धुआं निकल रहा है, तब हम फायर ब्रिगेड वाले को सूचना दी। कितने का अनुमान लगाया जा सकता है नुकसान का? कम से कम 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। तो छोटी गाड़ी वहाँ पहुँची तो वहाँ जो हमारे लीडिंग फायरमैन थे वो तत्काल बताया कि साहब आग इसमें बड़ी है, इसमें कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए। तत्काल हमने दो अन्य गाड़ियाँ, एक मीडियम साइज़ की एक बड़ी साइज़ की, जब तीन गाड़ियाँ के सही मौके पहुँचे और वहाँ दो तरफ से, एक सामने की तरफ से जहाँ मकान था गुप्ता जी का और एक इनके सीढ़ी के अंदर जाके दो तरफ से उसको आग कंट्रोल किया और थोड़ी देर में आकर को बुझा लिया। आग बुझाने के उपरांत हम देखा कि उसमें मकान मालिक थे अनिल कुमार मिश्रा, इनका एक सत्यम गारमेंट्स के नाम से इनकी एक शोरूम है और वहाँ दुकान खोले हैं दूर में। और अपना ठंडी का ऊनी जो कपड़े होते हैं सीजन ऑफ होने के कारण ये अपने कमरे में यहाँ स्टोर किए थे। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच अतीक अशरफ हत्याकांड का चुनाव पर बड़ा असर देखने को भी मिल सकता है, खास तौर पर मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी, प्रत्याशी दिखाएंगे अपना दमखम। क्या माफिया ब्रदर्स की हत्या का चुनावों पर दिखेगा असर? क्या मुस्लिम समाज के वोटों का होगा ध्रुवीकरण? उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं अगर बात करें आगरा के मुस्लिम समाज की, तो निकाय चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्लिम क्षेत्रों में विकास ना होने के वजह से मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जिस तरह के भेदभाव हो रहा है आप देखिए जाकर किस क्या हाल है। गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, तमाम निकलने के लिए तक निकलना पैदल निकलना मुश्किल पड़ा हुआ लोगों का। टोरंट आई हुई है, जब से टोरंट ने अपनी खुदाई कर करके तो गलियों का नाश कर रखा है, लोग निकल ही नहीं पाते हैं और विकास नाम पे जीरो है। मुस्लिम क्षेत्रों में कहीं भी कोई विकास भी नहीं हो रहा, लोग किस तरह से परेशान है कि लोग चक्कर काट काट के लोगों पर चक्कर काट रहे हैं तब भी कोई काम नहीं हो पा रहा। चुनाव आया नहीं आया तो मुसलमानों पर क्या फ़र्क पड़ता है। इस समय पूरे देश में अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ काफी सालों से जेल में बंद थे। वजह थी 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद सीट से बीएसपी के एमएलए राजू पाल की हत्या, जिसके आरोप में अतीक और उसके भाई अशरफ जेल गए थे। देखिए विकास के ऊपर वोट पड़ता है और लोगों ने पिछले 5 साल में जो देखा उत्तर प्रदेश के अंदर गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, नाले उफान पर हैं और दावे तो बड़े बड़े किए गए साफ़ सफाई के, लेकिन किसी भी जिले के अंदर इस तरीके का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। महापौर बीजेपी के ही थे लेकिन विकास कार्य के नाम पर शून्य है हर जिले के अंदर। वही राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की भी 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में सरेआम चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद समेत कई शार्प शूटर शामिल थे। प्रयागराज में हुए हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के बेटे और शूटर गुलाम का यूपी एसटीएफ ने
हाल ही में इनकाउंटर कर दिया था। असद और गुलाम को सुपुर्दे खाक किया गया था। वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले फर्जी मीडिया कर्मी बनकर आए थे। तीन लोगों ने पुलिस और मीडिया के होते हुए अतीक और अशरफ पर जमकर गोलियां बरसाई। अतीक और उसका भाई अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी आरोपियों ने अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मौके पर ढेर हो गए। नगर निगम चुनाव में अपने वार्ड का चुनाव होता है, क्षेत्र का चुनाव होता है और अपनी सकल का चुनाव होता है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो अपने में मौजूद हैं और लोग जो है कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस को वोट करेंगे। मैं समझता हूँ कांग्रेस का परचम लहराएगा नगर निगम चुनाव में। चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। इतना बड़ा कांड हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया कोई, कितने बड़े अफसोस की बात है। तो बड़ा एक अजीबोगरीब मैसेज गया कि कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, पुलिस अभिरक्षा में जो है हत्या हो गई, इससे बड़ा जो है माफिया राज और गुंडा राज क्या होगा। वो एक अलग विषय है जिस विषय से और चुनाव को मत जोड़ना है। चुनावों में क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है? अब हत्या तो आपको मालूम है आज की डेट के अंदर मुसलमान जो है वो अपने हिसाब से काम करे और कौन दूसरों की बातों में आकर जो है अपने गलतफहमी का शिकार ना बने बस। वही इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता हाजी जमील कुरैशी का कहना है कि ये शर्मनाक घटना हुई है। अतीक अहमद, अशरफ और उसके बेटे का कोई भी फैसला अदालत से होना चाहिए। ये जो हो रहा है एनकाउंटर कर दो, फर्जी ले जाकर मार दो, किसी का घर गिरा दो, ये लोकतंत्र के हिसाब से गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है। हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया है, अगर ऐसा हो रहा है तो न्यायालय को खत्म कर दो, वकीलों को खत्म कर दो। आज जो है आखिरी दिन था पर्चा भरने का और सभी दलों ने पर्चे भरे, कांग्रेस में भी उसमें पर्चे भरे गए और बड़ा उत्साह है। मेयर का भी हमने जो है कैंडिडेट जो है वो उसका पर्चा भराया, तो बड़ा उत्साह है लोगों में कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो हालात है इस वक्त जो है लोग परेशान हैं उससे। पुलिस अभिरक्षा के अंदर किसी भी मुलजिम की या किसी भी शख्स की इस तरह से हत्याएं होती हैं तो हमें उम्मीद है सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि वो उनको न्याय दिलाने का, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और इंसाफ करेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर वो माफिया था उसको ऊपर वाले ने उसको उसी की भाषा में समझाया है, इसको मानेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब था उसकी तरफ कि उसने उसको ऐसे काम नहीं करने थे। ये बात तो उसकी है कि शरीयत भी हमारी इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप किसी के साथ में जुल्म करें। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्राइम टीवी ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से ख़ास बातचीत की, उसमें साफ तौर से मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आई कि मुस्लिम समाज में जो क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी दिखा है। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर भी आगरा के मुस्लिम समाज से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें मुस्लिम समाज का साफ तौर से कहना है कि इस पूरे हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच हो, जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। तो आगरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ऐसे में निकाय चुनाव बेहद नजदीक है और हमारे सहयोगी ने जो कई लोगों से बातचीत की और अतीक और अशरफ हत्याकांड पर लोगों की राय जानने की कोशिश की, इस दौरान कई लोग इस हत्याकांड के बाद से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।